एंटीलिया केस में प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो से जो 20 जिलेटिन की छड़े बरामद हुई थी, उसे इस केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सचिन वझे ने ही खरीदा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि एनआईए ने यह क्लियर नहीं किया है कि इन छड़ों को कब और कहां से खरीदा था। जांच में यह सामने आया है कि ये छड़े नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी में बनाई गई थी। जिलेटिन की छड़ों पर दर्ज नाम के आधार पर एनआईए जल्द ही कंपनी के लोगों को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले नागपुर पुलिस ने कंपनी के मालिक का बयान दर्ज किया था। वहीं एंटीलिया केस में एनआईए ने 8वीं कार आखिरकार बरामद कर ली है। सचिन वझे के नाम पर रजिस्टर्ड काले रंग की ओडी कार की तलाश कई दिनों से महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की टीम कर रही थी। मनसुख हिरेन की हत्या में इस कार की क्या भूमिका है और इसका इस्तेमाल किसने किया, फिलहाल एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए को शक है कि सचिन वझे ने इसी ओडी का इस्तेमाल कर मनसुख हिरेन की मौत से ठीक पहले किया था। इससे पहले एटीएस ने भी एनआईए को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में सचिन वझे के एक ओडी कार के इस्तेमाल की बात बताई थी। एनआईए को अब भी एक स्कोडा कार की तलाश है। वही इंस्पेक्टर मिलिंद काठे को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का नया प्रमुख बनाया गया है। पूर्व प्रमुख सचिन वझे की गिरफ्तारी और निलंबन के बाद इस पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, इसे लेकर अटकलें लग रही थी। हाल ही में अपराध शाखा से 65 अधिकारियों के तबादले के बाद यहां 24 नए अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा योगेश चव्हाण को एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड की कमान सौंपी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।